वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या चीज़ है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल्स क्या चीज़ है और हमें कैसे पता चलेगा जी इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले कुछ पॉइंट समझ लें आप लोग इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। पहला पॉइंट है दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट है दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसलिए तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे है दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर फ्रॉम डोनर। डोनर होता है देने वाला, जितने इलेक्ट्रॉन देने हैं तो कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम डोनर देने वाले से। दे आर आल्सो बिहेव एज लिवस एसिड। ये लिवस एसिड के तौर पर भी काम करते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रोफाइल को लिवस एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि लिवस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करें। तो चूंकि इलेक्ट्रोफाइल भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं तो इसलिए हम इसको भी तो लिवस एसिड कह सकते हैं ना। उसके बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसके पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है जी, और वो स्पीशी या रीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो आप कहेंगे ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल है, या जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो तो वो भी हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा। या तीसरी निशानी क्या होती है इसकी, तीसरी निशानी होती है कि उसके पास पी या डी ऑर्बिटल जो होते हैं ना वो वेकेंट होते हैं, यानी कि अगर किसी के पास पी और डी ऑर्बिटल वेकेंट होना यानी कि वो कंप्लीट ना हो तो हम लोग उसे भी इलेक्ट्रोफाइल ही कहेंगे। तो इसी बिना पर इसके तीन टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की, टाइप वन टू एंड थ्री। टाइप वन में कौन से आते हैं हमारे पास, टाइप वन में आते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। ऑल कैटायंस एक्सेप्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए सेकेंड ए हाइड्रोनियम एंड अमोनियम। समझा सभी स्टूडेंट्स को कि जितने भी हमारे पास कैटाइन होते हैं ऑल कैटाइन एक्सेप्ट ग्रुप फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए अमोनियम। समझा रही है, हाइड्रोजन पॉजिटिव, सी एच थ्री पॉजिटिव, सी एल पॉजिटिव, एन ओ टू पॉजिटिव, एन ओ एस ओ थ्री पॉजिटिव एटसेट्रा। समझा रही सभी स्टूडेंट्स को, ये सारे के सारे क्या हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हैं, जिनको हम लोग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। समझा रही सभी स्टूडेंट्स को, अच्छा जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास टाइप टू। टाइप टू में कौन से आते हैं हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, जिनका पी ऑर्बिटल वेकेंट हो या फिर जिनका डी ऑर्बिटल वेकेंट हो, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अब जिनका पी वेकेंट है उसकी एक एग्जाम्पल अगर लिखे ना तो वो हमारे पास आती है बी ई सी एल टू। बी ई सी एल टू ब्रीलियम के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका पी ऑर्बिटल जो होता है वो वेकेंट होते हैं, कंप्लीट नहीं होता। इस तरह डी की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास आ जाता है जेड एन सी एल टू आ जाता है, जिंक क्लोराइड आ जाता है। तो इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है वो वेकेंट होते हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। समझा रही सर स्टूडेंट्स को। उसके बाद टाइप थ्री जो होती है आफ्टर बॉन्ड ब्रेक, कुछ इस तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जब बॉन्ड ब्रेकिंग होती है तब वो इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। जैसा कि इसके एग्जाम्पल में आता है हमारे पास सी ओ टू आ जाता है, उसमें सी सी एल फोर आ जाता है, इसी तरह एन एफ थ्री आ जाता है। समझा रही सभी स्टूडेंट्स को, तो ये हमारे पास होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल इसका अपोजिट कर देना आप लोगों ने। न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, उसमें हम लोगों ने लिखा था दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, तो इसमें क्या दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर चूंकि प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल लाइक करते हैं को प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चीज के ऊपर अटैक करे। दूसरा पॉइंट है दे आर इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट, इनके पास इलेक्ट्रॉन जायद होते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर टू एनी एटम, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इसीलिए तो वो डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं किसी दूसरे एटम्स को। उसके बाद लास्ट पॉइंट है दे आर आल्सो बिहेव एज लिवस बेस। बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो तो वो लिवस बेस होता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन यह है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसके पास लोन पेयर हो तो वो चीज़ न्यूक्लियोफाइल होगी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसके पास डबल बॉन्ड या उसके पास ट्रिपल बॉन्ड होना तो वो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ही होता है। इसमें भी इसी तरह तीन टाइप्स आते हैं, टाइप वन टू एंड थ्री। टाइप वन में कौन से आते हैं, टाइप वन में आते हैं हमारे पास नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ऑल एनाइन, जितने भी एनाइन है ना जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे सारे न्यूक्लियोफाइल होंगे। जैसा कि हाइड्राइड सी एच थ्री नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, इसी तरह एफ नेगेटिव, उसके बाद जी एन एच टू नेगेटिव, उसके बाद एन थ्री नेगेटिव एंड सो। समझा रही सर स्टूडेंट्स को। उसके बाद अगर बात करें हम लोग टाइप टू की तो उसमें आते हैं हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल।
अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में भी दो टाइप्स होती हैं, कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन लोन पेयर और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कंपाउंड हैविंग पाई बॉन्ड। समझा रही सभी स्टूडेंट्स को कि अगर उसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो तो भी उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, या उसके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो भी उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, लेकिन उसको हम लोग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। जिनके पास लोन पेयर है पहले उसके एक एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग। ये देखिए H2O, इसमें दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। इसी तरह अमोनिया के एग्जांपल ले लें आप लोग NH3, इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। इस तरह PH3 की बात करें आप लोग, उसमें फास्फोरस के पास लोन पेयर है। समझा रही सभी स्टूडेंट्स को, तो ये हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंपाउंड हैविंग पाई बॉन्ड, जिसके अंदर पाई बॉन्ड होगा वो सारे के सारे हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। उसमें कौन कौन से आते हैं, जितने भी अल्कीन हैं ना, अल्कीन में चूंकि डबल बॉन्ड होते हैं तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल होगी। प्लस अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल। यानी कि तमाम अल्कीन और अल्काइन जो होते हैं ना, ये हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होते हैं। उसके बाद टाइप 3 आती है हमारे पास, ऑल ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे पास साइनाइड। समझा रही सर स्टूडेंट्स को, साइनाइड आता है। साइनाइड के बाद दूसरा कौन सा आता है हमारे पास, इसमें उसमें आ जाएगा हमारे पास, उसमें एक और एग्जांपल लिख लें जी, एक मिनट, सॉरी साइनाइड इसमें नहीं आएगा, साइनाइड इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल भी हो और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ जी, R2ZN। अब जिंक यहाँ पे मेटल है और साथ में ये जो R ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। तो ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियोफाइल। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो की समझ आ गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।